rfi.com विश्वास वही रफ्तार नई। बिहार की राजनीति के दो बड़े चेहरे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकात के बाद तरह तरह के कयास लग रहे हैं। दरअसल लोजपा नेता चिराग पासवान ने बुधवार को पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस दौरान चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी में शामिल होने का उन्हें निमंत्रण दिया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी। मुलाकात से जुड़े पत्रकारों के सवाल पर तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी। उनसे पूछा गया कि लालू यादव चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को साथ देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने इतना ही कहा कि जब कोई बात लालू जी कह चुके हैं तो फिर उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि चिराग पासवान ने मुलाकात के राजनीति से जुड़े मायने नहीं निकालने की बात कही। उन्होंने बताया कि वो केवल आमंत्रण देने आए थे। चिराग पासवान के मुताबिक वो सीएम नीतीश कुमार को भी आमंत्रण देने जाएंगे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत सभी बड़े राष्ट्रीय नेताओं को भी निमंत्रण दिया है। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव को भी निमंत्रण देने का जिक्र किया। पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी पर लोजपा नेता चिराग पासवान ने बड़ी तैयारी की है। चिराग पासवान ने बताया कि वो अपने पिता और दलित नेता रामविलास पासवान की पहली बरसी पर 12 सितंबर को पटना में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। दरअसल रामविलास पासवान का निधन पिछले साल 8 अक्टूबर को हो गया था। उनके गुजरने के बाद चिराग पासवान बिहार चुनाव में अकेले ही पार्टी के लिए प्रचार करते दिखे थे। समय गुजरा और इस साल जून में लोजपा के सारे सांसद चिराग पासवान को छोड़कर पशुपति पारस के खेमे में चले गए। पशुपति पारस को लोजपा प्रमुख और लोकसभा में पार्टी का नेता भी चुना गया। अब अकेले पड़े चिराग पासवान पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी में पक्ष विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।